उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण के इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है। ये जगह शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में ज्यादा प्रचलित है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वो जगह का नाम गौरी कुंड जो मंदिर से कुछ ही दूर थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव ने विवाह किया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग एक गांव त्रियोगी नारायण के नाम से जाना जाता है, वहीं पर विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर के प्रांगण में जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, वहाँ आज भी अग्नि जलती है। इसे त्रियोगी नारायण मंदिर की अखंड धुनी भी कहा जाता है। इसी अग्नि की चारों ओर भगवान शिव और माता पार्वती ने सात फेरे लिए थे। जो भी लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं, वहां से अग्नि कुंड के राग को घर ले जाते हैं। बताया जाता है कि इस राग को हमेशा घर में रखने से वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। हर हर महादेव।